श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अध्याय एक कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक चार अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनस्मा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्था। अनुवाद, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। श्लोक पाँच दृष्ट के तुष्चे कितानः काशराजश्च वीर्यवानपु रुजित कुतिभूतश्च शैभश्च नरपुंगवः। अनुवाद, इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकितान काशराज पुरुजित कुंतीभोज तथा शैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक छह युधामयुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महार्था। अनुवाद, पराक्रमी युधामयु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। श्लोक सात अस्माक्तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान्वर्वीमीते। अनुवाद, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। श्लोक आठ भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्दत्तैव च। अनुवाद, मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि है। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक नौ अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सवे युद्ध विशारदा। अनुवाद, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था।